स्टूडेंट्स आपको पता ही है हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और एक्सरसाइज 2.2 पे आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। अभी हम इसको क्वेश्चन नंबर 12 करने लगे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि'स एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज द रवि'स प्रेजेंट एज? क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन में कि 15 साल बाद रवि की एज 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज से। तो हमें बताने कि उसके प्रेजेंट एज क्या है। तो हम लेट कर लेते हैं कि रवि की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है। रविस प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। तो हमने मान लिया कि रवि की प्रेजेंट एज एक्स है, क्लियर। तो रवि की एज 15 ईयर्स बाद क्या होगी? रविस एज आफ्टर 15 ईयर्स उसकी एज क्या होगी? आफ्टर 15 ईयर्स भी 4x यही होगी, 4 गुना ज्यादा हो जाएगी उसकी एज उसकी प्रेजेंट एज से। अब ये तो हो गया उसकी प्रेजेंट एज 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आफ्टर 15 ईयर्स प्रेजेंट एज में भी तो 15 ऐड होगा। सो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज बी एक्स प्लस 15 ईयर्स, क्लियर। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई जो कि इक्वल है। एक इक्वेशन ये है कि रवि की एज 15 साल बाद 4x होगी, और एक इक्वेशन ये है हमारे पास एक्सप्रेशन सॉरी कि 15 साल बाद रवि की एज उसकी प्रेजेंट एज से 15 मोर देन हो। दोनों इक्वेशंस करेक्ट है तो दोनों को हम इक्वल टू करवा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x इज इक्वल टू x प्लस 15, क्लियर। ये हमारी इक्वेशन आ गई कि रवि की एज जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है प्रेजेंट एज से और 15 मोर भी है प्रेजेंट एज से। तो दोनों इक्वेशंस इक्वल आ गए। अब हम इसको बना सकते हैं। 4x है, ये x इधर आ गया, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 15। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 15। अब इस इक्वेशन को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने सारी इक्वेशन सॉल्व किया, और 3 मल्टीप्लीकेशन में है तब हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे 3 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 15 अपॉन 3। 3 से 3 की कटिंग हो गई, 3 5 का 15, x की वैल्यू आ गई 5, कि रवि की जो प्रेजेंट एज है वो क्या आ गई, 5 ईयर्स। हेंस रवि'स प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स, मतलब अभी रवि 5 ईयर्स का है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? अब वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 5/2 से और ऐड कर दिया 2/3 से उसके प्रोडक्ट को, तो हमारे पास आंसर क्या आया, जो रिजल्ट आया वो है -7/12। तो व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या है? तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द रैशनल नंबर बी एक्स, लेट द रैशनल नंबर बी एक्स। रैशनल नंबर एक्स ले लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 5/2 मल्टीप्लाई होगा। सो ये एक्स है, इससे हमने 5/2 को मल्टीप्लाई करवा दिया और ऐड क्या होगा इसमें 2/3 और उसका रिजल्ट क्या बनेगा, -7/12। ये होगी हमारी इक्वेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं दोबारा से, इज इक्वल टू -7/12। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, क्लियर। अब माइनस प्लस 2/3 है, इसे हमें खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2/3 से दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो सब्ट्रैक्ट 2/3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 2/3 से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो क्या होगा, 5/2x प्लस 2/3
माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन ट्वेल्व माइनस टू अपॉन थ्री. अब ये तो इससे कट गया और यहाँ क्या रह गया, माइनस टू अपॉन एक्स इज इक्वल. अब हमें इन दोनों को बाय एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो ट्वेल्व और थ्री का एलसीएम क्या हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा. और यहाँ पे एज इट इज माइनस सेवन आ जाएगा, माइनस थ्री के टेबल पे ट्वेल्व फोर पे आता है, सो फोर टू द एट. और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और एट और सेवन को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस फिफ्टीन अपॉन ट्वेल्व. तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, माइनस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन अपॉन ट्वेल्व. अब यहाँ पे फाइव अपॉन टू है, हम इसको भी खत्म करना पड़ेगा. तो फाइव अपॉन टू को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टू अपॉन फाइव से मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों साइड्स पे. सो मल्टीप्लाई टू अपॉन फाइव ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से टू अपॉन फाइव से मल्टीप्लाई करवाए, क्योंकि वहां यहाँ पे फाइव अपॉन टू इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, टू अपॉन फाइव. इसको इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये वैनिश हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी. सो फाइव अपॉन टू एक्स मल्टीप्लाई बाय टू अपॉन फाइव इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन अपॉन ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय टू अपॉन फाइव. सो टू से टू की कटिंग हो गई, फाइव से फाइव की कटिंग हो गई, यहाँ पे रह गया एक्स. अब यहाँ भी कटिंग हो रही है, फाइव वन द फाइव, फाइव थ्री द फिफ्टीन, टू वन द टू, टू सिक्स द ट्वेल्व, सो थ्री वन द थ्री, थ्री टू द सिक्स. तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, माइनस वन अपॉन टू. एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस वन अपॉन टू आ गई, तो हमारा रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन टू. सो हेंस द रैशनल नंबर बी माइनस वन अपॉन टू. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्टी.